जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है टेनिस। टेनिस जगत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, खेल जगत के बारे में। खेल जगत के बारे में अभी तक ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आज हम लोग खेल जगत का पर ही ना सो विशेष रूप से ध्यान देकर उसके बारे में ही हम वीडियो बनाए हैं। तो इसलिए बनाया है कि अभी है ना सो टेनिस टेनिस को चुने थे आज, इसीलिए कि आज जो दिन है टेनिस के बारे में सोचे हैं कि आज ही इसी के बारे में हमने वीडियो बनाए। तो देखिए, आज आज दिन है क्या है, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर का दिन है। तो देखिए, आप जानते हैं कि टेनिस की महानतम खिलाड़ी में से शुमार है कि है ना सो विश्व की महानतम टेनिस खिलाड़ी, जिसका नाम है मार्टिना नवराती लोबा। तो ये तो अभी तो रिटायर हो चुकी है, लेकिन एक समय था जब 80-90 का दशक था, जब इनका तूती बोलता था। तो आज इनका जन्मदिन है, मार्टिना एम नवराती लोबा जी, जिसको कहा जाता है मार्टिना नवराती लोबा। तो इनका आज जन्मदिन है, 66वां जन्मदिन है, 66वां। तो देखिए, 66वां, 66वां, 66वां जन्मदिन है। तो ये दुनिया की सबसे महानतम जो टेनिस खिलाड़ी है उसमें है ना सो जो टॉप है ना 10 टेनिस खिलाड़ी है उसमें से इनका एक है ना सो नाम आता है, या टॉप 10 क्या कहिए, टॉप है ना सो थ्री, टॉप थ्री, दुनिया की टॉप थ्री। अभी तक टेनिस के इतिहास में जो टॉप थ्री टेनिस खिलाड़ी है उसमें इनका नाम आता है। तो 80 या 90 के दशक में तो इनका तूती बोलता था। इनका जन्म चेकोस्लोवाकिया, तो आप जानते हैं कि ये यूरोप का देश है, चेकोस्लोवाकिया, तो वहीं की है ना सो वहाँ वहीं इनका जन्म हुआ था। और महानतम टेनिस खिलाड़ी हैं ही, लेकिन अभी वो अमेरिका में रहती हैं, अमेरिका की नागरिकता उनको प्राप्त है, वहीं रहती हैं। तो आप जानते हैं अमेरिका एक ऐसा देश है कि जो भी सबसे अच्छा चीज़ है उसको खरीद देता है। तो टेनिस में भी इसका यही है कि जो भी टेनिस का बड़ा बड़ा खिलाड़ी होगा वो सबको खरीद के अपने यहाँ रख लेगा। तो अभी जानते हैं स्टेफी ग्राफ, तो ये भी है ना, इसको भी अमेरिका का नागरिकता मिल गया है। जर्मनी के खिलाड़ी थे स्टेफी ग्राफ। तो इस तरह तो ये अमेरिका तो में होता ही है कि करता है कि जो भी महान वैज्ञानिक हो, कोई भी अपने क्षेत्र में जो सबसे नामी हो, अमिताभ बच्चन को भी दिया हुआ है अमेरिका का नागरिकता। तो ये है ना सो अभी अमेरिका में रहती थी, उसी के बारे में चर्चा चल रही है, एम नवराती लोबा। तो आजकल का जो युवा पीढ़ी है ये तो नहीं जानता होगा, लेकिन 80 के 90 के दशक में इनका तूती बोलता था। और है ना सो बताते थे टॉप दुनिया में, अभी इतिहास में टॉप थ्री जो टेनिस की महानतम खिलाड़ी हुए हैं उनमें इनका नाम है। तो यही हम देखिए कौन है, मार्टिना नवराती। देखिए, मार्टिना नवराती लोबा, एम इसको एम नवराती लोबा या मार्टिना नवराती लोबा कहा जाता है। तो देखिए, सर्वकालिक महान टेनिस खिलाड़ी हो दुनिया की, पूरे दुनिया की सर्वकालिक महान टेनिस खिलाड़ियों में शुमार मार्टिना नवराती लोबा का आज अपना 66वां जन्मदिन मना रही है। 66वां आज है ना, 18 अक्टूबर है तो इनका ना जन्मदिन है, 66वां जन्मदिन मना रही है। तो देखिए, तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया, तो चेकोस्लोवाकिया जो देश था तो पूर्व काल में था, अब तो है ना सो ये टूट गया, इसका ना देश है ना सो बंटवारा हो गया, एक चेक रिपब्लिक हो गया, एक है ना स्लोवाक है ना चेकोस्लोवाकिया था, तो एक चेक रिपब्लिक हो गया, गणराज्य हो गया, एक है ना सो स्लोवाक हो गया। तो ये टूट गया, अब तो है ना अमेरिका चली गई। तो देखिए, तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया में जन्मी यह अमेरिकी खिलाड़ी, अब है ना अमेरिका का नागरिक, अभी उस समय तो जन्म लिया था चेकोस्लोवाकिया में, लेकिन यह अमेरिका नागरिकता इनको मिल गया है, अमेरिका में ही रहती है। तो अमेरिकी खिलाड़ी एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिनके नाम, देखिए एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिनके नाम 59, तो एकमात्र ऐसी खिलाड़ी जिनके नाम 59 ग्रैंड स्लैम खिताब है। देखिए 59 है ना सो ग्रैंड स्लैम खिताब है ना सो ये है ना सो टूर्नामेंट जीती हुई है टेनिस का, 59 ग्रैंड स्लैम खिताब टेनिस का है ना सो टूर्नामेंट जीती हुई है, जिसमें से 18 सिंगल है, 31 युगल है, 18 सिंगल है, 31 युगल है, डबल है, और 10 मिश्रित, सब मिला के 59 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी है, जिसमें 18 एकल, 31 युगल और 10 मिश्रित है। मार्टिना के ने करियर में, देखिए मार्टिना ने अपने करियर में 167 एकल, देखिए मार्टिना नवराती लोबा ने अपने करियर में 167 एकल और 177 युगल खिताब जीते हैं। देखिए
मार्टिना नवरातिलोवा ने अपने करियर में 167 एकल और 177 युगल खिताब जीते हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी के नाम 18 एकल ग्रैंड स्लैम देखिए इस दिग्गज खिलाड़ी के नाम 18 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब है। अच्छा ओपन एरा यानी कि 1968 के बाद देखिए ओपन एरा किसको कहा जाता है टेनिस के जगत में ओपन एरा का मतलब होता है 1968 के बाद 1968 के बाद जो है ना सो टेनिस में जो समय आया उसको है ना सो जो हुआ घटना हुआ उसको ओपन एरा कहा जाता है। तो देखिए ओपन एरा 1968 के बाद देखिए ओपन एरा का मतलब समझ गए ना 1968 के बाद में वह तीसरी सबसे ज्यादा एकल स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं। तो देख लीजिए ओपन एरा यानी कि 1968 के बाद वह तीसरी सबसे ज्यादा एकल स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी है। वही विंबलडन के मामले में तो ओपन एरा हो या एमेच्योर एरा यानी कि 1968 के पहले देखिए ओपन एरा का मतलब हो गया कि 1968 के बाद ओपन एरा का हो गया कि 1968 के बाद और है ना सो एमेच्योर एरा हुआ 1968 के पहले एमेच्योर एरा का मतलब हो गया 1968 है उसके पहले और ओपन एरा हुआ कि 1968 के बाद। तो देखिए वही विंबलडन के मामले में तो ओपन एरा हो या अमेच्योर एरा यानी कि 1968 के पहले इनके नाम सबसे ज्यादा खिताब है विंबलडन में सबसे ज्यादा है ना सो विंबलडन का टूर्नामेंट है ना जीतने का है ना सो सबसे ज्यादा कौन जीता है तो मार्टिना नवरातिलोवा। कोई भी खिलाड़ी इनके आसपास भी नहीं टिक पाया आज तक मार्टिना नवरातिलोवा से ज्यादा कोई भी विंबलडन का सिंगल खिताब नहीं जीत पाया है सबसे ज्यादा जीतने का है। वही विंबलडन के मामले में तो ओपन एरा हो या अमेच्योर एरा इनके नाम सबसे ज्यादा खिताब है। इनमें 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 इन्होंने पुरुषों को भी पछाड़ दिया यानी पुरुष हो महिला हो जो भी हो खिलाड़ी सबको पछाड़ के सबसे ज्यादा विंबलडन का खिताब जीतने का है ना सो रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है मार्टिना नवरातिलोवा का। नवरातिलोवा ने करियर में लगातार 6 खिताब सहित कुल 9 विंबलडन एकल खिताब जीते देखे 9 मार्टिना नवरातिलोवा ने करियर में लगातार 6 खिताब सहित लगातार 6 बार विंबलडन एकल जीत गई। देखिए कितनी महान खिलाड़ी है कि लगातार अभी तक ना यह ना सो 9 बार विंबलडन का है ना सो सिंगल खिताब चैंपियनशिप जीती है जिसमें कि लगातार 6 साल तक है ना सो ये विंबलडन का खिताब जीती और कुल मिला के 9। तो यही बात है कि ये मार्टिना ने करियर में लगातार 6 खिताब सहित कुल 9 विंबलडन एकल विंबलडन का 9 एकल खिताब जीते हैं। 80 और 90 का दशक तो ऐसा था कि इनको विंबलडन में हरा पाना सपने जैसा था। कोई भी 80 या 90 का दौर जो था तो कोई भी इसको है ना खिलाड़ी किसी के पास हिम्मत नहीं था कि मार्टिना नवरातिलोवा को है ना हरा पाए सपना जैसा था सपना में भी लोग नहीं सोचता था कोई भी इतना आसपास भी नहीं टिकता था। इस दौरान वह लगातार 12 बार विंबलडन एकल फाइनल में पहुंची थी। देखिए 9 बार तो विंबलडन सिंगल का खिताब जीत चुकी है लेकिन 12 बार फाइनल में भी पहुंची थी 12 बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची थी जिसमें 3 बार पराजित हो गई और 9 बार यह खिताब जीत गई और है ना 6 बार तो लगातार विंबलडन का खिताब जीती थी लगातार 6 साल तक। तो समझिए टेनिस जगत में है ना सो मार्टिना नवरातिलोवा ही जैसे कि है ना सो डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन को कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को उसी तरह टेनिस के जगत में मार्टिना नवरातिलोवा का है कोई लोहा है। इस दौरान वह 12 बार विंबलडन एकल फाइनल में पहुंची थी। यही नहीं नवरातिलोवा एकल में 332 सप्ताह विश्व नंबर 1 खिलाड़ी थी। देखिए यही नहीं नवरातिलोवा यही नहीं एम नवरातिलोवा एकल में 332 सप्ताह विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी थी और युगल में रिकॉर्ड 237 सप्ताह वह इतिहास में एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 200 से अधिक हफ्ते एकल और युगल दोनों में सिर्फ स्थान हासिल किया यानी कि लगातार 200 हफ्ते तक लगातार ये क्या थी कि ना सो युगल हो सिंगल हो या युगल या मिश्रित जो हो उसकी नंबर एक पोजीशन तो 1 साल में 52 हफ्ते होता है तो समझिए कि ना सो लगातार है ना सो
समझिए कि 4 साल का तक है ना, सो लगातार नंबर एक थी, टेनिस जगत की लगातार नंबर एक खिलाड़ी थी 4 साल तक, है ना, सिंगल हो या डबल हो या मिश्रित हो जो भी हो, तो ये महिला टेनिस खिलाड़ी थी, लगातार 4 साल तक नंबर वन पोजीशन था, ये इनका था ये रुतबा। वह इतिहास में एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 200 से अधिक हफ्ते और एकल और युगल दोनों में सिर्फ स्थान हासिल किया। इसके साथ ही वह मार्गरेट कोर्ट और डेविस हर्ट के साथ 3 महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने एकल युगल और मिश्रित युगल में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। देखिए, एक तो दुनिया की सबसे महान खिलाड़ी, तीन दुनिया में तीन ही महान खिलाड़ी है जिनका नाम है, एक तो है मार्गरेट कोर्ट और दूसरा है डेविस हर्ट और तीसरा है एम नवरातिलोवा। तो क्या कहा जाता है, इसके साथ ही वह मार्गरेट कोर्ट और डेविस हर्ट के साथ 3 महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने एकल युगल और मिश्रित युगल में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल किया। करियर ग्रैंड स्लैम किसको मिला हुआ है, एम नवरातिलोवा, मार्गरेट कोर्ट और डेविस हर्ट, ये तीन ही महिला खिलाड़ी है जिसको करियर ग्रैंड स्लैम हासिल हुआ है अभी तक टेनिस जगत में, जिसे करियर ग्रैंड स्लैम वॉक्स्ड सेट कहा जाता है। तो 3 खिलाड़ी है, एक तो एम नवरातिलोवा, एक मार्गरेट कोर्ट और एनसो डेविस हर्ट, जिसको एनसो करियर ग्रैंड स्लैम यानी कि वॉक्स्ड सेट का अवार्ड एनसो मिल चुका है। तो इतनी महान खिलाड़ी है, लगातार 4 साल तक नंबर वन, 12 बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हुई है, लगातार 6 बार एनसो रिकॉर्ड है, विंबलडन का एनसो टूर्नामेंट जीती थी सिंगल और 9 बार विंबलडन टूर्नामेंट जीती। तो ये 90-80 के दशक में तो सपना था, इतनी महान खिलाड़ी है तो उनका जन्मदिन है, तो इसीलिए हम आज इस पर वीडियो बनाए हैं, टेनिस के महान खिलाड़ी एम मार्टिना नवरातिलोवा। तो है ना सो आप देख लीजिए, अब इनका तो देश ही खत्म हो गया, चेकोस्लोवाकिया का बंटवारा हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, एक स्लोवाक हो गया, तो अमेरिका में रहती हैं, उसी का नागरिकता ले ली। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।